अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला और मेरे साथ हैं शेख अब्दुल बासित जो हमारी प्राइम फैकल्टी हैं OBU की और SBL की। अच्छा, आज की इस मीटिंग का मकसद ये है कि हम OBU के बारे में जानें क्योंकि कुछ चेंजेस आ रहे हैं ACCA क्वालिफिकेशन में और रिसेंटली ACCA ने ये अनाउंसमेंट भी कर दी है कि उनका OBU के ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के साथ 2026 में अरेंजमेंट एंड होने वाला है। अच्छा, ये बात से मैं इनकार नहीं करूँगा कि मैंने खुद पूरे शहर में काउंसलिंग की है, बहुत ऑनलाइन काउंसलिंग्स की हैं और मैं हमेशा बोलता हूँ कि OBU ACCA की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी, हकीकत है ये। यानी आप यूँ सोचें कि ACCA सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है बल्कि इसके अंदर आपका बैचलर्स, मास्टर्स, ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो मैं सर से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर हो जाएँ। पहला सवाल मेरा सर ये है कि ये जो रिसेंट चेंज आने वाला है और ये जो ACCA अरेंजमेंट एंड कर रहा है, क्या इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा स्टूडेंट्स के ऊपर या नहीं होगा? सर, जितना हम ACCA को जानते हैं तो ACCA खुद एक बहुत बड़ी बॉडी है। इसकी 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अफिलिएशन है, इसके कितने ही स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊं तो मैं खुद और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, हम सब प्राइम बेनिफिशरीज ACCA के हैं, ना कि OBU के। और जितना हम जानते हैं कि ACCA कितना खुद को डेवलप्ड रखता है, कितना खुद को अप टू डेट रखता है, तो इस कोलैबोरेशन की एंडिंग का ACCA पे कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ऑल्दो एक डिग्री का चार्म हमारे पास से जो टेम्प्ररी कहा जा सकता है कि रिमूव हो रहा है, बट इट वुडंट बी इम्पैक्टेड ऑन ACCA। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं मल्टीपल प्रोफेशनल बॉडीज के साथ अफिलिएटेड हूं। उसमें अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मुझे सबसे ज्यादा किस बॉडी ने फायदा पहुंचाया है, तो वो ACCA है, क्योंकि उसी की बेसिस पे वी ग्रोथ, उसी की बेसिस पे वी गॉट हायर्ड, उसी की बेसिस पे हम ये सारे स्किल्स सीखते हैं। तो ACCA पे इंपैक्ट OBU का आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा आने वाला है। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये कि लेट अस से एक ऐसा स्टूडेंट है जो आज इंटरमीडिएट करके ज्वाइन करता है या आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन करता है और वो 2026 तक ACCA पार्ट टू कंप्लीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपका स्किल्स मॉड्यूल कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आप लोग OBU के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी वो बच्चा लेटेस्ट से OBU के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको आपकी क्या वो रिकमेंडेशन है उस बच्चे के लिए? सर, उन स्टूडेंट्स के लिए आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आपको कोई इतनी जल्दबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना एक प्लान बनाना चाहिए कि वेदर यू कैन गो फॉर इट और नॉट। अगर आप उसके लिए जा सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप उसके लिए नहीं जा सकते तो कोई इतनी बड़ी परेशानी की हमारे पास बात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि ACCA खुद इतना बड़ा इदारा है, अगर एक तरह की बॉडी जा रही होती है तो दे मस्ट बी विलिंग टू गेट अनदर बॉडी ऑन प्लेटफॉर्म। एंड क्या पता हमारे OBU के बाद we got another surprise कि कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी या किसी बहुत बड़ी तरह की अफिलिएशन ACCA के साथ जुड़ जाए और जो बच्चे अभी एनरोल हुए हैं वो आगे जाके उस डिग्री को हासिल करके अपनी इंडस्ट्री में फ्लूइश कर सके। अच्छा, यहां मैं एक बहुत अहम चीज ऑडियंस के लिए ऐड कर दूं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मैंने अपनी आंखों से बहुत बार देखी है कि यूनाइटेड स्टेट्स में ACCA की इतनी वर्थ है कि एक बंदा जो ACCA का मेंबर हो, मैं अफिलिएट की बात नहीं कर रहा, जो मेंबर है, तो उसको US में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इक्वलेंसी सर्टिफिकेट्स बना के देती हैं 4 ईयर्स बैचलर्स की, और उसकी बेसिस पे आपका पूरा जॉब का भी प्रोसेस होता है और ग्रीन कार्ड का पूरा प्रोसेस होता है। ये बाकायदा मैंने अपनी आंखों से ये प्रोसेस बहुत बार देखा है और बहुत सारे लोगों को देखा है कि ग्रीन कार्ड के लिए तो ये नॉर्मली जब आप जॉब का वो जो पूरा प्रोसेस कर रहे होते हो स्पॉन्सरशिप वाला, तो उसमें ये एलिजिबल होता है। इसी तरह ये कनाडा और दूसरी कंट्रीज़ में भी ये चीज़ होती है। अच्छा सर, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे अभी ACCA एफिलिएट्स हैं या जो बच्चे अभी ACCA फाइनलिस्ट हैं जिन्होंने अपना स्किल्स मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, उनके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशन है? सर, उनके लिए तो ये एक नो ब्रेनर है कि वो ये डिग्री हासिल कर लें। उसका रीज़न ये है कि सर, ये डिग्री की कोलैबोरेशन वंस अगर एंड हो जाए तो उसके बाद वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिनके पास ये डिग्री है उनकी ऑटोमेटिक एक वर्थ बढ़ जाएगी। आई वुड गिव यू एन एग्जांपल कि आज से कई टाइम पहले हमारे पास ACCA और CA की एक कोलैबोरेशन होती थी, एंड जितने भी स्टूडेंट्स ने ACCA करके CA की वो एग्जेम्पशंस हासिल कर ली थी, उनको कहीं ना कहीं उनके कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में इसका फायदा रहा। तो इसलिए जो बच्चे अभी एट द टाइम एलिजिबल हैं या मई 2026 से पहले एलिजिबल हो जाएंगे, उनके लिए तो बिल्कुल एक वन गो शॉट है कि वो OBU की ये डिग्री हासिल करें, क्योंकि जब इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जिनके पास ये डिग्री होगी उनकी एक वर्थ में इंक्रीज आ जाएगा। गॉट इट। तो मैं फाइनली ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह मिर्चा वाला ब्रांड सारे सब्जेक्ट्स में क्वालिटी दे रहा है, इसी तरह वी आर ऑल्सो गिविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी इन OBU। तो आप लोगों में से जिनको भी OBU की वो मेंटोरशिप चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।